एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलबदीन अब्दुल कलाम था, उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम भारत में हुआ था और 27 जुलाई 2015 शिलोंग में मृत्यु हुई। भारतीय वैज्ञानिक और राजनेता जिन्होंने भारत के मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम्स के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। वह 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और 1958 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में शामिल हो गए। 1969 में वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में चले गए, जहां वे SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, जो पहला सैटेलाइट लॉन्च वाहन था जिसे भारत में डिजाइन और निर्मित दोनों किया गया था। 1982 में DRDO को फिर से शुरू करते हुए कलाम ने कई सफल मिसाइलों का उत्पादन करने वाले कार्यक्रम की योजना बनाई, जिसने उन्हें उपनाम मिसाइल मैन अर्जित करने में मदद की। उन सफलताओं में भारत की पहली मध्यवर्ती श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि थी, जिसमें SLV-3 के पहलुओं को शामिल किया गया था और इसे 1989 में लॉन्च किया गया था। 1992 से 1997 तक कलाम रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे और बाद में उन्होंने कैबिनेट मंत्री के पद के साथ सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार 1999 से 2001 के रूप में कार्य किया। देश के 1998 के परमाणु हथियारों के परीक्षण में उनकी प्रमुख भूमिका ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में मजबूत किया और कलाम को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में स्थापित किया। हालांकि परीक्षणों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहुत चिंता पैदा की, 1998 में कलाम ने टेक्नोलॉजी विजन 2020 नामक एक देशव्यापी योजना को आगे बढ़ाया, जिसे उन्होंने 20 वर्षों में भारत को कम विकसित समाज से बदलने के लिए एक रोड मैप के रूप में वर्णित किया। इस योजना ने अन्य उपायों के अलावा कृषि उत्पादकता में वृद्धि, आर्थिक विकास के लिए एक वाहन के रूप में प्रौद्योगिकी पर जोर देने और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच को व्यापक बनाने का आह्वान किया। 2002 में भारत के सत्तारूढ़ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA ने निवर्तमान राष्ट्रपति कोचरिल रमन नारायणन को सफल बनाने के लिए कलाम को आगे रखा। कलाम को हिंदू राष्ट्रवादी हिंदुत्व NDA द्वारा नामित किया गया था, भले ही वह मुस्लिम थे, और उनकी कद और लोकप्रिय अपील ऐसी थी कि मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनकी उम्मीदवारी का भी प्रस्ताव रखा। कलाम ने आसानी से चुनाव जीता और जुलाई 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जो एक बड़े पैमाने पर औपचारिक पद था। उन्होंने 2007 में अपने कार्यकाल के अंत में पद छोड़ दिया और देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा सफल रहे। नागरिक जीवन में लौटने पर कलाम भारत को एक विकसित देश में बदलने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध रहा और कई यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर के रूप में कार्य किया। 27 जुलाई 2015 को वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में एक व्याख्यान देने के दौरान ढह गया और जल्द ही कार्डियक अरेस्ट से मृत घोषित कर दिया गया। कलाम ने एक आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर 1999 सहित कई किताबें लिखी। उनके कई पुरस्कारों में देश के दो सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण 1990 और भारत रत्न 1997 शामिल थे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इंडियन स्पेस एजेंसी 1969 में एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम विकसित करने के लिए स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय बंगलुरु पूर्व में बेंगलोर में है। इसरो के मुख्य कार्यकारी एक अध्यक्ष हैं, जो भारत सरकार के अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो केंद्रों के एक देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है। अहमदाबाद में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में सेंसर और पेलोड विकसित किए जाते हैं। बंगलुरु में UR राव सैटेलाइट सेंटर पूर्व में इसरो सैटेलाइट सेंटर में उपग्रहों को डिजाइन, विकसित, इकट्ठा और परीक्षण किया जाता है। लॉन्च वाहनों को तिरुवनंतपुरम में विक्रम सरभाई अंतरिक्ष केंद्र में विकसित किया गया है। चेन्नई के पास श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्च होते हैं। भूस्थैतिक उपग्रह स्टेशन कीपिंग के लिए मास्टर कंट्रोल सुविधाएं हसन और भोपाल में स्थित हैं। रिमोट सेंसिंग डेटा के लिए रिसेप्शन और प्रोसेसिंग सुविधाएं हैदराबाद के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में हैं। इसरो की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स कॉरपोरेशन है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की और एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।